नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। डबरा जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल भतरवार के नैनागर गांव में डायरिया की बीमारी से 2 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी गई लेकिन कोई जिम्मेदार गाँव नहीं पहुँचा। डायरिया के प्रकोप से शांतिबाई नाम की एक बुजुर्ग महिला और 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। वहीं 15 से ज्यादा लोगों की हालत काफी चिंताजनक बताई जा रही है। डायरिया की बीमारी से 2 दर्जन से ज्यादा लोग पीड़ित हैं लेकिन स्वास्थ्य विभाग चैन की नींद सो रहा है। पेट दर्द, उल्टी, दस्त की शिकायत होने पर लोगों को भतरवार चिकित्सालय में भर्ती कराया गया लेकिन भतरवार अस्पताल में भी मरीजों का इलाज भगवान भरोसे चल रहा है। डॉक्टरों की गैर मौजूदगी में अस्पताल का स्टाफ मरीजों का इलाज कर रहा है। गंभीर रूप से बीमार लोगों को ग्वालियर रेफर किया गया है। मामले की जानकारी लगने पर कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को नैनागिर गांव पहुंचाने का निर्देश दिया था। हालांकि कलेक्टर के निर्देश को दरकिनार कर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव नहीं पहुंची। एक महिला की मौत हो गई। एक महिला की मौत हो गई डीवीडी से। काय से हुई? डीवीडी। डीवीडी क्या होता है सर? डायरिया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन। डायरिया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन उससे हुई। और एक बालक की मौत हुई है, वो क्या यहाँ नहीं? वो हमारे यहाँ नहीं, गांव में हुई। यहाँ पर कितने लोग? अभी यहाँ पर कितने लोग भर्ती हैं? कम से कम 12-15 मरीज भर्ती हैं। डबरा से दिव्य शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें न्यूज आज के साथ।